बोट राइड एंजॉय करते रहो मेरे साथ। तो हम देखो यहाँ ये मेन है, यहाँ से आप बहुत सारे वीडियोस में देखते हो कि यहाँ से लोग चढ़ते हैं, बट एक बार हम देखेंगे। सत्यम और आप देख रहे हैं ये सारे स्वाइप्स। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या गुड़गांव में घूमना चाहते हैं और आपको जगह नहीं मिल रहा, तो मैं आज आपको लेकर के चल रहा हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और गुड़गांव में रहने वालों के लिए काफ़ी नज़दीक है। जैसे कि मैं बताऊँ, अगर मैं रहता हूँ राजीव चौक के पास गुड़गांव में, तो यहाँ से वो मात्र 12-13 किलोमीटर की जर्नी है। अच्छी है, पहाड़ हैं चारों तरफ, अच्छे ट्रैकिंग के लिए रोड बनी हुई है, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू होने वाला है। जहाँ मैं जाने वाला हूँ वो है लेपर ट्रेल गुड़गांव। तो यहाँ का व्यू मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, राइड दिखाऊंगा आपको, बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाऊंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वर्चुअल। आप मेरे साथ जुड़े रहो, वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही मज़ा आने वाला। आप भी कहने वाले हो कि यार क्या जगह बताई है तुमने, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो, आप भी जाओ गुड़गांव में अगर रहते हो, तो लेपर ट्रेल घूम के आओ। फैमिली के लिए, हर लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। तो दो तीन काम है बेसिक आज मेरे को करने के लिए। तो सबसे पहला मेरा अभी काम है, अभी मैं जाऊँगा शोरूम और शोरूम से अपनी बाइक में लगवाने वाला हूँ टेम्प्रेरी नंबर, जो कि नंबर टेम्प्रेरी जो RTO रजिस्टर्ड होता है, तो वो करवाने हैं और TRC सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद फिर हम आगे राइड को इन्जॉय करेंगे। तो चलो आपको मैं लेकर के चलता हूँ इस अमेजिंग सी राइड पे। चलो तो रेडी हैं अपने ट्रिप के लिए, चल रहे हैं नीचे सीढ़ियों से और अपने बाइक को निकालेंगे। तभी जस्ट बाइक को निकालने का प्लान है यहाँ से, और बाइक खोला, ये देख सकते हो आप मेरी ब्लैक ब्यूटी यहाँ पे खड़ी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो थोड़ा सा इसे अभी साफ ऑफ करके फिर यहाँ से राइड निकलेंगे। तो गाइज़ हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप की तरफ। तो पहला काम है शोरूम जाना, उससे पहले सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ खाने के लिए यहाँ से ले लिया जाए। तो जस्ट मैंने प्लान किया है कि चलो बिरयानी यहाँ से ले लेते हैं, भाई बहुत अच्छा बिरयानी यहाँ पे बनाता है, तो इससे मैं सोच रहा हूँ बिरयानी ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो कॉस्टली आएगा, तो चलो बिरयानी पैक कराते हैं यहाँ से। तो जस्ट भाई से मैंने बिरयानी 2 पैक करवाई है, मात्र 20-20 रुपये का देता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। जस्ट 2 प्लेट बिरयानी पैक करा के फिर शोरूम की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ से। तो एक बिरयानी हो चुकी पैक, और यहाँ पे भैया देखो शोरूम भी आ गया था, तो इन्होंने मेरे नंबर के लिए टेम्प्रेरी नंबर लगा दिया है बाइक पे। तो जस्ट ये देखो फ्रंट में आप देख सकते हो कि ये बाइक पे टेम्प्रेरी नंबर लगा रहे हैं अभी, जिससे कि बेसिक ये RTO रजिस्टर्ड होता है, तो एक टेम्प्रेरी नंबर आपको RTO की तरफ से मिल जाता है, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने तक आप गाड़ी कहीं भी चला सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। इससे बेसिक यही है कि आपका रजिस्टर्ड हो चुका है गाड़ी, ठीक है, तो आपका गाड़ी मतलब कि नंबर अप्लाई कर दिया गया है और नंबर अभी आया नहीं है, इसलिए 6 महीने का टाइम होता है, बट हमारा नंबर आ जाएगा 10-15 दिन में, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अभी जस्ट नंबर प्लेट यहाँ पे लग चुका है और अब हम निकलने की तैयारी में है यहाँ से। तो नंबर प्लेट जैसे ही है, ये इन्होंने ये नंबर लगा देंगे, हम निकलेंगे। तो नंबर लग चुका है गाइज़, और अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने राइड पे। सो वेल है गाइज़, हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो आज का प्लान है कि हम यहाँ से निकल करके लेपर ट्रेल की तरफ जाएंगे, और अभी हमारा कुछ लोकेशन है जो मैं गूगल के हेल्प से जाऊँगा। सो वेल हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम, यू आर वॉचिंग ए सारे स्वाइप। सो आज हम जा रहे हैं लेपर ट्रायल की तरफ, एक छोटी सी राइड है सैटरडे की, तो जस्ट वी हैव प्लान और निकल चुके हैं। तो अभी मैं जो प्लान कर रहा हूँ ये है हमारा गुड़गांव से जो रूट जाएगा दिल्ली जयपुर हाईवे के थ्रू, तो हम इसके ऊपर सफ़र करेंगे और काफ़ी अमेजिंग सफ़र होने वाला ही है, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड है। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो चलो, आसपास का लोकल एरिया है ये, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है।
फाइनली हम यहाँ रेड लाइट पे खड़े हैं और काफ़ी लंबा टाइम है। तो गाइस टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द बाइक। नाउ वी आर ऑन द वे ऑफ द लेपर्ड ट्रेल। सो हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पे हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है। सो दिस इज द रोड ऑफ द लेपर्ड ट्रेल। सो 5 किलोमीटर की सफर है अप्रोक्सीमेट और हम इसे करेंगे कवर। स्ट्रेट जाना है, सो जस्ट वी आर ऑन द वे। और देख सकते हो काफी भीड़ है, काफी सारे लोग यहां पे जा रहे हैं इस साइड। इस साइड हमारा लोकेशन जा रहा है। तो सैटरडे राइड, और ये देख सकते हो कार है बहुत ही शानदार। सो दिस इज द लेपर्ड ट्रेल ट्रेल और हम इधर ही हैं इसके ट्रैक पे। तो देख सकते हो गाइस स्पीड। रास्ता देख सकते हो गाइस, हम जा रहे हैं नजदीक द पहाड़। हाँ देखो काफी सारे लोग आ भी रहे हैं घूम के, तो वी आर टूवर्ड्स द पहाड़ माउंटेन। डक्स डॉक्स कैफे, डक्स एंड डॉक्स कैफे। तो हम आए हैं लगभग दोपहर में 12-1 बजे। एंड ये एक्चुअली पड़ता है अरावली हिल्स। रोड देख सकते हो आप किस तरह से है। ये आ गए ब्रेकर। सो देख सकते हो हम कैसे रोड में जा रहे हैं। ये है मंदिर, जय माता। हरियाली है, पहाड़ है। ये है शिवधाम मंदिर। नाम से चलना होता है कि कोई भी कभी भी आ सकता है। इधर देखो सरसों के लगे हुए हैं, आई डोंट नो बट आई थिंक सरसों ही है, तो एक बार कमेंट करके मुझे बताना। So let's just enjoy the trip.
फिलहाल यहाँ पे अरावली हिल्स पे लेपर्ड ट्रायल में आपको मैंने कुछ व्यूज़ दिखाए हैं, अभी बहुत सारे व्यूज़ अभी आपको दिखाऊंगा कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग राइड है यहाँ पे। तो आप इंजॉय करो वीडियो को, देखो इस तरह से मैं अभी पहाड़ों में ही हूँ, पीछे पीछे मेरे पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं, है ना। तो इस तरह की यहाँ पे ट्रैकिंग है, रोड है, आप काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सकते हो वीकेंड में यहाँ पे आकर के। अगर आपका प्लान है फैमिली के साथ हो, अकेले हो, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आकर के एक बार फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो पूरे दिन, ठंड में तो खास करके सही है। तो भाई लोकेशन हो गया है ख़त्म यहाँ पे, अब ये है लेक, बट हम देखते हैं ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा एडवेंचर का है समय, बट हाँ जानवर और ये सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हम ट्रैवल करेंगे यहाँ से। तो अगर अभी यहाँ पे करेंगे तो मैंने इसलिए बोला कि हमारा लोकेशन हो चुका है द एंड, लोकेशन अब कुछ भी नहीं है, और देखो फाइनल पॉइंट पे हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब जितना आगे होगा उतना देखेंगे, कोशिश करेंगे जाने का। तो हम देखो यहाँ ये मेन है, यहाँ से आप बहुत सारे वीडियोस में देखते हो कि यहाँ से लोग चढ़ते हैं, बट एक बार हम देखेंगे एंड पॉइंट की, रोड का एंड कहाँ पे होता है। अभी भी आगे जा रहा है, ओके। इधर रहने के लिए फार्म हाउस टाइप की, इधर लेक, और इधर आप देख सकते हो बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। तो यहाँ पे जस्ट वी हैव प्लान टू शूट एक दो फोटो, इधर करेंगे अभी लौटते टाइम पे। यहाँ पे फोटो काफ़ी अच्छी आएगी, पीछे पूरा पहाड़ों का व्यू और इधर। तो हमारा प्लान है लेक में एक बार जाने का, डॉग्स कैफे। डॉग्स कैफे दैट इज़ अ 600 मीटर्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज़ अ लेक, दिस इज़ अ फोटो शूट प्लेस जहाँ की हम फोटो शूट करेंगे। तो दिस इज़ अ लाइफ, सो घूमना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए अपने वीकेंड को। और अंदर देख सकते हो आप कितने शानदार हैं, देखो यहाँ पे ऊँट भी है। तो हम यहीं पहुँचे हैं अभी फिलहाल अंदर, क्या है ना। और ये रोड होता है यहीं पे समाप्त, अरावली हिल्स फैमिली रेस्टोरेंट, ये रोड यहाँ पे हो जाता है गाइस ख़त्म। और अब हम वापस लौटेंगे और कुछ फ़ोटो वोटो लेंगे फिर चलेंगे। देखो यहाँ पे नुक्कड़ है, ग्रीन चिल्ली कैफे है, मतलब लास्ट तक आपको रोड को दिखाया है। यहाँ पे ऊँट भी है देखो भाई साहब। तो यहाँ पे एक दो फ़ोटो शूट करेंगे बढ़िया सा। गाइस तो ये इसने भी आज चला करके गाड़ी को देखा है। सो गाइस इट्स टाइम टू ब्रेकफास्ट। अभी तक सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, तो अभी प्लान है जस्ट कि बिरयानी लेके आया था, तो अभी बिरयानी खाऊंगा। और आप देख सकते हो हेलमेट, और ये है पीछे SRS वाइप्स।
जैसे कि आपको सब्सक्राइब करना है यहाँ पे, इस तरह के भी अमेजिंग कंटेंट बहुत आने वाले हैं आपको। बस अभी एक दो वीडियो दिखाई, अभी बहुत सारे कंटेंट अभी मैं आपको दूंगा। चलो तो बिरयानी खाते हैं।